kids, welcome back. I am Vandana and we are learning Computer of Class 7 by Brain Root series. And here is a book. The name of your book is Cyber Creators. Today we are going to start chapter number 8 and the name is Ethics in AI World. So do you know what is AI World? Yes, we are talking about artificial intelligence and there are some ethics in this AI world. So what all we are going to learn in this chapter? Let's see. We will start with what are AI ethics, why are AI ethics important, ethical concerns in AI, implementation of AI ethics, and AI is not perfect. What if it make a mistake? So these all things we will learn. Let's start with this activity that is given in your book. What is the role of AI in our daily life? Hamari daily life mein AI ka kya role hai? This you have to tell. So children, let's start the chapter. Human beings are intelligent by nature. Sabko pata hai ki human bahut zyada intelligent hai. They have the ability to think, to retain knowledge, to learn from the past experiences, use reasoning to solve problem and to adapt new situation. To hum jo humans hai, हम क्या कर सकते हैं? किसी चीज़ को सोच सकते हैं, पुरानी चीज़ों को याद कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं नॉलेज को, एक्सपीरियंसेस को रीगेन कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रीज़न दे सकते हैं, नई सिचुएशंस में अपने आप को ढाल सकते हैं. आवर कॉम्प्लेक्स ब्रेन हेल्प्स अस टू अचीव दीज कैपेबिलिटीज़. हमारा ब्रेन सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को मोल्ड कर लेता है और इन सारी चीज़ों के साथ हमें इन सारी चीज़ों को झेलने में हमें हेल्प करता है. एनिमल्स जैसे कि चिंपैंजी, एलिफेंट, डॉल्फिन, ये क्या है? ये कुछ इंटेलिजेंट ट्रेड्स हमें शो करते हैं, इंटेलिजेंट चीज़ें हमें दिखाते हैं, बट आर इन नो वे कंपेरेबल टू अस ह्यूमंस. हम ह्यूमन से इन्हें कंपेयर नहीं किया जा सकता. एज अ चाइल्ड यू मे हैव स्लिप्ड ओवर द वेट फ्लो वाइल रनिंग एंड हर्ट योरसेल्फ. एक बच्चे की तरह हो सकता है कभी आप एक गीले फर्श पे दौड़ रहे हो और आप फिसल के गिर गए हो, आपको चोट लग गई हो. द एक्सपीरियंस टॉट यू टू वॉक केयरफुली ओवर द वेट फ्लोर. अब इस गिरने के एक्सपीरियंस से आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि जब भी फर्श गीला हो उस पे ना दौड़ें, अगर दौड़ेंगे तो हम गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी. यू रिमेंबर योर पास्ट एक्सपीरियंस. आपने पास की उस बात को अभी तक याद रखा और आज भी आप बहुत ही केयरफुली चलते हो. दिस इज द ह्यूमन इंटेलिजेंस. ये क्या है? एक ह्यूमन इंटेलिजेंस है. द एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस. पास्ट की चीज़ों से सीखना, यही है क्या? ह्यूमन इंटेलिजेंस. दैट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम टेकिंग रॉन्ग डिसीजंस दैट मे हार्म यू. जो आपको रॉन्ग डिसीजंस को लेने में आपको क्या करता है? रोकता है. Since the invention of computer machines, man's capability to perform various tasks increased exponentially. So, जब से ये computer machine आई है, invent हुई है, man की जो capability है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है. अब हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को develop कर लिया है and we like to work in diverse domains. The increase speed, reduce size with respect to time. Computers का जो size जो है छोटा होता जा रहा है. पहले हमने computer develop किए, फिर वो छोटे size के आए, उनकी speed बढ़ा दी हमने, उनके domains को change कर दिया और time saving बना दिया इन्हें. With the advancement of technology now, we have chess playing computers. अब technology इतनी आगे बढ़ चुकी है कि computer chess खेल रहा है, खुद से गाड़ियाँ चला रहा है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट ऐप्स बन चुके हैं, वॉइस रिकग्निशन ऐप्स बन चुके हैं, आपकी वॉइस को पहचान लेते हैं वो, फ्लाइंग ड्रोन्स अब आ चुके हैं मार्केट में. एंड ये जो एप्लीकेशंस हैं ये यूज़ किए जाते हैं, ये इन्हें हम टेक्नोलॉजिकल टूल्स कहते हैं जो हमें डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं. ये जो एबिलिटी है मशीन की, इससे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर AI कहते हैं. एंड इट इज़ अ टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन डिसिप्लिन सच एज कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, मैथमेटिक्स एंड सोशियोलॉजी. तो ये जो टेक्नोलॉजी है इन सब चीज़ों को रिलेट करके बनाई गई है.
Ethic is the set of moral practice which help us discern between right and wrong. Ethics क्या है? ये एक तरीके की moral practice है, moral principle है, जो हमें सही और गलत के बीच में difference बताता है. Ethics are moral principles that govern a person's behavior. ये कुछ moral principles है जो किसी भी person के behavior को govern करता है. और conduct the term of an activity या फिर किसी की भी activity को conduct करने में help करता है. These are based on well-founded standards of right and wrong. ये जो चीज़ें हैं ये बेस है well-founded standards पे, सही या गलत के, जो क्या करते हैं, prescribe करता है क्या human को करना चाहिए and क्या नहीं करना चाहिए. ये ethics हमें बताते हैं. We should when we see an injustice happening, our inner voice tells us something is not right. अगर हम अपने आंखों के सामने कुछ गलत होता देखते हैं तो हमारे अंदर की जो आत्मा है वो हमसे कहती है कि ये गलत है, इसे हमें रोकना चाहिए. Our ethics depend up on our upbringing and environment. हमारे जो ethics है वो हमारी upbringing पे depend करता है. हमें घर से जैसा सिखाया गया हम वैसा ही बिहेव करेंगे उस पर्टिकुलर सिचुएशन में. तो राइट या फिर रॉन्ग है इस पे डिफ्रेंशिएट करना वो हमारा काम है. व्हाट आर एआई एथिक्स? अब हम तो ह्यूमन से हम फील कर सकते हैं सिचुएशन को, लेकिन एआई के भी कुछ एथिक्स हैं. क्या है वो? लेट्स सी. एआई एथिक इज अ सेट ऑफ गाइडलाइन दैट एडवाइजेस ऑन द डिजाइन एंड आउटकम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. एआई एथिक्स क्या है? ये कुछ सेट ऑफ गाइडलाइंस है, कुछ रूल्स हैं जो डिज़ाइन किए गए हैं एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए. एआई एथिक्स क्या है? ये जो है कुछ मॉरल प्रैक्टिसेस है, कुछ टेक्निक्स हैं दैट फॉर्म द गाइडलाइन फॉर द डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ एआई टेक्नोलॉजी. ये कुछ ऐसे गाइडलाइंस हैं जो फॉलो किए गए हैं, जो फॉर्म किए गए हैं एआई के प्रॉपर यूज़ के लिए. एथिकल AI ensures that the initiative of the organization maintain human dignity, practice fairness and do not cause any harm to people. AI dignity का कहना है, AI initiative का कहना है कि किसी भी human being को नुकसान ना पहुँचाया जाए, चाहे physically, चाहे mentally या किसी और तरीके से. AI intelligence, AI powers Google search engine, enables Facebook to target advertising and allows Alexa and Siri to do their jobs. तो ये जो artificial intelligence है आजकल हर जगह फैल चुका है. Google के search engine में आ चुका है, Facebook में आ चुका है, advertisement sites में आ चुका है. Alexa और Siri भी इन्हें ही use कर रही हैं. AI powers your AI assistant like Gemini AI, ChatGPT, Claude etc. तो ये कुछ AI apps आप कह सकते हो. And it is behind self-driving cars, predictive policy, autonomous weapons that can kill without human intervention. Means बिना humans के किसी चीज़ में involve किए ये AI आज इतना आगे बढ़ चुका है कि self-driving cars चल रही हैं जिसमें driver की ज़रूरत ही नहीं है, या फिर predictive policy चल रही है, autonomous weapons चल रहे हैं जिसमें human beings का कोई भी योगदान नहीं है, means humans की ज़रूरत नहीं है. These and other AI applications raise complex ethical issues. Unfortunately, artificial intelligence lacks the ability to judge right from the wrong. सब कुछ होने के बाद भी ये जो AI है ये right और wrong में difference नहीं कर पाता. AI can only separate right from wrong. AI सिर्फ right से wrong को निकाल सकता है based on data that has been labeled. राइट एंड रॉन्ग, ऐसे डेटा जिसपे राइट का टैग है उसे वो राइट बोलेगा, जिसपे रॉन्ग का टैग है उसे रॉन्ग बोलेगा. मीन्स वो अपना खुद का डिसीजन नहीं ले पाएगा कि हो सकता है जो मुझे राइट दिख रहा है वो रॉन्ग भी हो सकता है. बाय द डेवलपर, व्हेन द डेवलपर फेल्स टू कंसिडर द आउटकम ऑफ एवरी एल्गोरिदम दैट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड, इट मे लेड टू अनडिजायरेबल और अनएथिकल रिजल्ट. As program-based machinery, AI system is not morally accountable agent. So the question is, who is to be blamed if AI makes a mistake?
और इफ एआई गिव्स इनकरेक्ट रिजल्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि मान लो एआई किसी सही डिसीजन को गलत साबित कर दे, कहीं गलती से उससे हो जाए या वो उस तरीके से उस चीज़ को ना सोच पाए, तो इस चीज़ के लिए एआई के गलत होने के लिए किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए? अगर एआई ने कोई गलत रिजल्ट दिया है तो किसे ब्लेम करना चाहिए? व्हाई आर एआई एथिक्स इम्पॉर्टेंट? एआई एथिक्स क्यों ज़रूरी हैं? सो चिल्ड्रेन द क्वेश्चन इज व्हाई आर एआई एथिक्स इम्पॉर्टेंट? एआई एथिक्स क्यों इम्पॉर्टेंट है? जैसा कि आपको पता है ये जो एआई टेक्नोलॉजी है ये बनाई गई है ह्यूमंस को रेप्लिकेट करने के लिए, उन्हें एनहांस करने के लिए और ऊपर से उन्हें रिप्लेस करने के लिए। मीन्स हो सकता है कल को मेरी जगह यहाँ कोई एआई खड़ा हो और वो आपको ये सब कुछ पढ़ा रहा हो। तो ये एआई जो है हर फील्ड में आ चुका है, ह्यूमंस को रिप्लेस भी करने के लिए आ चुका है, लेकिन एआई जो है ज़्यादातर किस पे विश्वास रखता है? ये डेटा पे भरोसा रखता है। पुअरली डिजाइन एआई एल्गोरिदम बिल्ट इन डेटा दैट इज फॉल्टी इनएडिक्वेट और बायस कैन हैव अनइंटेंटेड और पोटेंशियली हार्मफुल रिजल्ट। अगर एआई को ठीक से नहीं बनाया गया है तो वो क्या कर सकता है, वो डेटा, अगर उसका डेटा जो है फॉल्टी है तो ये क्या करेगा, हमें जो है नुकसान पहुंचा सकता है, हमारे ये बायस्ड हो सकता है। और बिकॉज ऑफ द रैपिड एडवांसमेंट इन एआई एल्गोरिदम इट्स नॉट ऑलवेज क्लियर हाउ द एआई रीच्ड इट्स कंक्लूजन। क्योंकि एडवांसमेंट इतना ज़्यादा हो रहा है एआई एल्गोरिदम में, तो ये बात क्लियर नहीं की जा सकती कि एआई अपने कंक्लूजन पे कैसे पहुंच रहा है। यू हैव टू स्टडी एआई एथिकल कंसर्न एंड डेवलप द एथिकल फ्रेमवर्क फॉर एआई। तो आपको क्या करना है, इस एथिकल कंसर्न को पढ़ना है। एआई एथिक्स फ्रेमवर्क इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स इन कंसिडरिंग द रिस्क एंड बेनिफिट्स ऑफ एआई। एआई एथिक्स फ्रेमवर्क इसलिए ज़रूरी है कि ये क्या करता है, कंसिडर करता है रिस्क को और बेनिफिट्स को एआई के, और क्या करता है, इस्टेब्लिश करता है गाइडलाइन अपने रिस्पॉन्सिबल यूज़र के लिए। एथिकल कंसर्न क्या है एआई में? लेट्स सी सम ऑफ द एथिकल कंसर्न ऑफ एआई। तो चलिए देखते हैं एआई के कुछ एथिकल कंसर्न्स। पहला है बायस, सोशल इनजस्टिस एंड इंक्लूसिवनेस। सो चिल्ड्रन ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें क्या करता है एआई बायस हो जाता है एंड डिस्क्रिमिनेशन करने लगता है, मीन्स दो चीज़ों के बीच में डिस्क्रिमिनेट करने लगता है। एंड इससे क्या होता है, बहुत सारे एथिकल क्वेश्चंस उठते हैं रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ एआई। एआई बायस अकर्स व्हेन एन एल्गोरिदम प्रोड्यूसेस रिजल्ट दैट आर प्रेजुडिस। एआई तब बायस होता है जब भी कोई भी जो रिजल्ट है एल्गोरिदम का वो प्रेजुडाइज हो, बिकॉज दे आर ट्रेन ऑन द बेसिस बायस डेटा, क्योंकि एआई को बायस डेटा के बेसिस पे ट्रेन किया जाता है। द डेटा फेड इनटू द एल्गोरिदम कुड कॉज बायस बिकॉज ऑफ थ्री रीजंस। ये जो डेटा है इस एआई में, इस एल्गोरिदम में, ये बायस हो सकता है तीन रीजंस की वजह से। द डेटा डज नॉट रिफ्लेक्ट द मेन पॉपुलेशन। जो ये डेटा है मेन पॉपुलेशन को रिफ्लेक्ट नहीं करता। इट्स बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, ये हिस्टोरिकल डेटा पे बेस करता है। एंड विच itself is biased or the data has been unethically manipulated। तो ये तीन reasons है जिसकी वजह से AI क्या हो सकता है, biased हो सकता है। This may lead to social injustice and create a barrier of building an inclusive society। अब इसकी वजह से क्या होगा, social injustice फैलेगा और जो society है उसमें एक barrier create होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है कि 2019 में एक टीम थी जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में थी, उन्होंने एक प्रॉब्लम को डिस्कवर किया था एआई के साथ। दैट वाज बीइंग यूज्ड टू एलोकेट हेल्थ केयर स्कीम, जिसका काम था हेल्थ केयर स्कीम्स को एलोकेट करना, बेनिफिटिंग जिसमें 200 मिलियन पेशेंट्स को बेनिफिट मिलने वाला था यूएस में। ब्लैक पीपल वर असाइंड लोअर रिस्क स्कोर्स, जो ब्लैक लोग थे उन्हें लोअर रिस्क स्कोर दिया जा रहा था, देयरफॉर लोअर बेनिफिट ऑफ हेल्थ केयर स्कीम, जिसकी वजह से इन्हें लोअर बेनिफिट दिया जा रहा था हेल्थ केयर स्कीम का इन कंपैरिजन टू वाइट पीपल।
though black patients in fact experience high level of high risk, लेकिन उल्टा ही था, जो ब्लैक लोग थे उन्हें हाई लेवल था, हाई रिस्क का हाई लेवल था. दिस प्रॉब्लम अकर्ड सिंस द एआई सिस्टम वाज एलोकेटिंग रिस्क वैल्यू बेस्ड ऑन द हेल्थ केयर. सो ये प्रॉब्लम तब सामने आई जब एआई जो है क्या था, ये एलोकेट कर रहा था रिस्क वैल्यू को एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर एंड ब्लैक पेशेंट्स वर लेस एबल टू पे फॉर हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर. तो ये जो ये जब हुआ तो उस समय क्या था, ये जो ब्लैक पेशेंट्स थे इनके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे कि वो इतने हाई स्टैंडर्ड ऑफ केयर को पेमेंट कर सके. नेक्स्ट कम्स टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी. सो द आइडिया ऑफ सिंगुलैरिटी इज दैट इफ एआई रीचेज अप टू द ह्यूमन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, ह्यूमंस विल समडे बी ओवरटेकन बाय एआई मशीन्स. तो ये जो आइडिया है सिंगुलैरिटी का, ये कहता है कि अगर एआई ह्यूमन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस तक पहुंच गया, उस लेवल तक पहुंच गया, तो हो सकता है ये एक दिन ह्यूमंस को रिप्लेस कर दे, उनकी जगह ले ले. द फियर दैट रोबोट्स विल टेक ओवर द वर्ल्ड हैज बीन डिस्कस्ड इन साइंस फिक्शन. साइंस फिक्शन में ये कहा गया है कि रोबोट्स एक दिन ह्यूमंस की जगह ले लेंगे. बट विथ रैपिड डेवलपमेंट ऑफ एआई इट्स टर्निंग इनटू अ सीरियस डिबेट. लेकिन जैसे जैसे ये जो है एआई बढ़ता जा रहा है, ये एक डिबेट का कारण हो चुका है. दिस आइडिया अज्यूम्स दैट सच सुपर इंटेलिजेंट एआई सिस्टम वुड क्विकली सेल्फ इम्प्रूव डेवलप इवन मोर इंटेलिजेंट सिस्टम्स एंड मे ईदर कंप्लीटली कंट्रोल ह्यूमंस और मे कॉज एक्सटेंशन ऑफ ह्यूमन स्पीशीज विच इज कॉल्ड एन एग्जिस्टेंशियल रिस्क. तो हो सकता है इस एआई को इतना डेवलप होने के बाद एक दिन हो सकता है कि हम ह्यूमंस इनके गुलाम हो जाएं. ये भी हो सकता है ह्यूमन स्पीशीज इस अर्थ से ही गायब हो जाए क्योंकि एआई इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है. तो ये जो तेज़ी से बढ़ना है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से आपको क्या होना चाहिए, आपको डरने की ज़रूरत है. An impact on job, AI impact on job and wealth inequality. अब AI का impact क्या है job पे या फिर wealth की inequality पे? One of the prime concern people have with AI is future loss of job. लोगों का जो सबसे prime concern है वो ये है कि future में अगर AI ने हमारी जगह ली तो हमारी job खतरे में पड़ सकती है. Should we strive to fully develop and integrate AI into society if it means many people will lose their jobs and quit, quite possibly their livelihood? अगर ऐसा कुछ होता है AI ने humans की जगह ले ली, उनके jobs ले लिए, तो क्या होगा, हम humans अपना घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? As more and more jobs are being automated, humans will move from physical work to strategic and administrative work. क्योंकि जो बहुत सारे work हैं वो क्या हो रहे हैं, automated हो रहे हैं, automate हो रहे हैं. So humans क्या करेंगे, ये physical work से strategies या फिर administrative work की तरफ चले जाएंगे. This is of course an ideal situation if human gets enough employment opportunity. But there's still a concern whether there will be sufficient job for both human and AI. AI हमारे लिए ठीक तो है, हमारा काम easy कर रहा है, लेकिन हो सकता है एक समय ऐसा है कि हम humans और AI दोनों के लिए sufficient job ना हो. As the job shift occurs from human to AI, an employer could cut down on cost by using AI. जैसे जैसे जॉब क्या होती है, शिफ्ट होती है, ह्यूमन से एआई की तरफ जॉब जा रही है, तो क्या होगा, जो एम्प्लॉयर है वो करेगा कॉस्ट कटिंग, क्योंकि अब वो क्या करेगा, वो एआई यूज़ कर रहा है तो वो कॉस्ट नहीं देगा. एंड एथिकल कंसर्न इज दैट रेवेन्यूज विल नो लॉन्गर बी डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली अमंग्स पीपल. अब लोगों के बीच में जो है प्रॉपर जो पैसे का जो रेवेन्यू था वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, बट मेनली गो टू AI driven companies. ऐसी कंपनीज के पास वो पैसे जाएंगे जो AI को जनरेट कर रही हैं. एंड कंट्रीज विद सुपीरियर AI टेक्नोलॉजी, और ऐसी कंट्रीज के पास जाएंगे पैसे
जो क्या करते हैं, जो सुपीरियर AI टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। नेक्स्ट इज प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। प्राइवेसी इंक्लूड्स द राइट नॉट टू हैव वंस पर्सनल मैटर डिस्क्लोज पब्लिकली, द राइट टू बी लेफ्ट अलोन, इंफॉर्मेशन प्राइवेसी एक्सेट्रा, कंट्रोलिंग हु collects which data and who has access is difficult in the digital world. This has led to security concern. For example, face recognition in photos and videos allow identification and profiling and searching for individuals. तो यहाँ पे children इस topic में ये लिखा है कि जो privacy है वो क्या है, हर person की personal होती है जो कि publicly disclose नहीं की जाती है। हर इंसान चाहता है वो अकेले रहना चाहता है, अपनी चीज़ों को प्राइवेटली रखना चाहता है, इन्फॉर्मेशन को प्राइवेसी के साथ रखना चाहता है। और अगर ये AI इतना ज़्यादा स्प्रेड आउट हो गया तो क्या होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी एंड वो स्प्रेड आउट हो जाएगी, जिसकी वजह से सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में आ सकती है। जैसे कि फेस रिकग्निशन, आजकल AI क्या करता है, फेस को रिकग्नाइज कर लेता है, हमारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ हर चीज़ उसके पास पहले से मौजूद है, तो ये क्या है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। मैनिपुलेशन ऑफ बिहेवियर। यू अवेल ऑफ मैनी फ्री सर्विसेज ऑन द इंटरनेट, लिविंग बिहाइंड अ ट्रेल ऑफ डेटा। आप जो इंटरनेट पे बहुत सारे फ्री सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, लिविंग बिहाइंड बहुत सारे डेटा को पीछे छोड़ के, बट यू आर ऑफन नॉट मेड अवेयर ऑफ इट। हम जब भी कोई तरीके की शॉपिंग कर रहे हैं, हम किसी भी तरीके का इंटरनेट को सर्व कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अपने पीछे बहुत सारा डेटा छोड़ जाते हैं और हम इसके अवेयर नहीं होते। द बिग फाइव टेक कंपनीज, जो पांच बड़ी टेक कंपनीज हैं, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फा, गूगल, अमेजन एंड मेटा, फेसबुक, यूज AI टू कलेक्ट दिस डेटा इन ऑर्डर टू गेन, मेंटेन एंड डायरेक्ट योर अटेंशन। ये जो पांच कंपनीज है ये आपके डेटा को यही इसी AI से ही कलेक्ट करती हैं आपके अटेंशन को ग्रैब करने के लिए। यू कैन इवन से दैट दीज AI algorithms मे नो यू बेटर देन यू नो योर सेल्फ। आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये algorithms आपसे ज्यादा आपको जानते हैं। योर डेटा कैन बी यूज टू चेंज योर बिहेवियर थ्रू मैनिपुलेशन। आपका जो डेटा है वो चेंज किया जा सकता है, कैन बी यूज टू चेंज योर बिहेवियर। आपके डेटा को, आपके बिहेवियर को चेंज करने के लिए यूज किया जा सकता है। कैसे, मैनिपुलेट करके आपको और डिसेप्ट करके। मैनी एडवर्टाइजर्स, मार्केटर्स एंड ऑनलाइन सेलर्स यूज दिस डेटा टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, बट दिस डेटा ऑल्सो हैज द पोटेंशियल ऑफ बींग मिस यूज बाई द थर्ड पार्टीज। बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, आपके इस डेटा को यूज़ करती हैं। ओके, मैंने एक जो है शूज़ की कंपनी में मैंने जो है शूज़ चेक किए थे, तो वो डेटा जो है पूरा AI में फैल गया। जितनी भी कंपनीज है वो मुझे क्या करेंगे, शूज़ के ऐड दिखाना शुरू कर देंगे। तो ये जो एडवर्टाइजर्स हैं, ये जो मार्केटर्स हैं, या जो ऑनलाइन सेलर्स हैं, हमारे डेटा को यूज़ करते हैं, लेकिन हो सकता है हमारा जो ये डेटा है वो कोई थर्ड पार्टी मिसयूज़ कर ले। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, सेप्टेम्बर 2019 में ट्विटर, जो जिसे अब एक्स के नाम से जाना जाता है, एडमिटेड लेटिंग एडवर्टाइजर्स एक्सेस इट्स यूजर पर्सनल डेटा टू इम्प्रूव देयर मार्केटिंग कैंपेन। इन्होंने ये माना था कि इनके जो एडवर्टाइजर्स हैं वो क्या करते हैं, इनके जो यूजर्स हैं उनके पर्सनल डेटा को लेते हैं और मार्केटिंग का अपना काम करते हैं। नेक्स्ट कम्स अकाउंटेबिलिटी। One of the biggest problem brought about by AI decision making is who should be blamed or held accountable when an AI system cause harm. किसको जो है जिम्मेदार ठहराया जाए अगर AI से कोई गलती हो जाए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, देर इज एन अकाउंटेबिलिटी गैप, एक अकाउंटेबिलिटी गैप है बीच में। सिंस द लीगल सिस्टम इज बिल्ट ओनली फॉर ह्यूमंस, क्योंकि ये जो लीगल सिस्टम है, जेल जाने का सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है, वो ह्यूमंस के लिए ही बना है। व्हेन ह्यूमंस आर रिप्लेस बाय ऑटोनॉमस एजेंट्स, जब ह्यूमंस को ऑटोनॉमस एजेंट से रिप्लेस कर लिया जाता है, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स यूज किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया एल्गोरिदम यूज किया जा रहा है, या दूसरी चीज़ों को यूज किया जा रहा है, सेम सिस्टम एंड रूल्स कैन नॉट बी अप्लाइड।
सेम तरीके के सिस्टम और रूल्स को हर जगह अप्लाई नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल यहाँ पे है, अगर एक सेल्फ ड्राइविंग कार है एंड इट मेक्स एन ऑटोनॉमस डिसीजन टू लीव द हाईवे एंड हाई स्पीड टू अवॉइड एन ऑब्स्टेकल क्रैशेस इनटू अनदर व्हीकल। मान लो कि कोई सेल्फ ड्राइविंग कार है, उसने अपने आप डिसीजन ले लिया कि मैं हाईवे से नहीं जाऊँगा, मैं किसी दूसरे रास्ते से जाऊंगा, और अचानक से वो किसी गाड़ी से टकरा जाता है। यू कैन नॉट टेक द सेल्फ ड्राइविंग कार टू अ कोर्ट टू फेस जस्टिस। आप उस सेल्फ ड्राइविंग कार को कोर्ट नहीं लेके जा सकते। एंड इवन इफ यू डिड, देयर इज नो लीगल रूल दैट कैन बी अप्लाइड टू द केस। कोई भी ऐसा लीगल रूल नहीं है जो उस केस में अप्लाई किया जाए। ह्यूमन इंटरैक्शन, this is the beginning of an age where there is an increase in interaction with machines as if they are humans. तो ये जो है क्या है, ये beginning है एक age का जहाँ पे जो है interaction machine से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है हम humans का। AI chatbots को use किया जा रहा है, digital assistants को use किया जा रहा है to show emotions and mimic human behavior. जो इमोशन शो करने लगे हैं, ह्यूमन बिहेवियर को मिमिक मींस कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। टू बिल्ड फ्रेंडली रिलेशनशिप विथ ह्यूमंस, और ये ह्यूमंस के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप्स भी डेवलप कर रहे हैं। दिस गिव्स राइज टू द पॉसिबिलिटी दैट सम ह्यूमंस में इंटरैक्ट मोर विथ AI। ये क्या करता है, ये राइज देता है पॉसिबिलिटी को, ऐसी पॉसिबिलिटी को कि जो ह्यूमंस हैं वो ज़्यादा इंटरैक्ट करते हैं AI से, which will affect the relationship with humans. अगर आपका जो इंटरेक्शन AI के साथ ज़्यादा है तो हो सकता है humans के साथ खराब हो सकता है। For example, a child can develop a friendship with an AI pet. एक बच्चा जो AI pet के साथ friendship कर सकता है, since it is designed to please humans. क्योंकि उस AI pet को humans को please करने के लिए बनाया गया है। But may not want to interact with human friends. लेकिन वो बच्चा क्या करेगा, ह्यूमन फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट करना नहीं चाहेगा। हु मे नॉट ऑलवेज एक्ट एज पर द चाइल्ड्स विश। तो वो जो AI पेट है वो तो बच्चे के अकॉर्डिंग चल रहा है, लेकिन ये जो ह्यूमंस हैं वो बच्चे के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ AI एथिक्स, कैसे इन AI एथिक्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एथिक्स इज क्रूशियल फॉर AI सिस्टम to provide safe guidelines that can prevent risk for human to solve any issue related to bias and to build transparent system. So ये जो implementation है in ethics का, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि humans पे जो risk है वो कम हो सके, किसी भी problem को solve करने का जो तरीका है वो ठीक हो सके and एक transparent system बन सके। Some of these ethical concerns are interlinked. कुछ जो एथिकल कंसर्न्स है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फॉर इंस्टेंस, ट्रांसपेरेंट सिस्टम विल हेल्प रिकॉग्नाइज एंड एड्रेस क्वेश्चंस ऑन बेसिस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अगर आपका सिस्टम ट्रांसपेरेंट है तो ये क्या करेगा, क्वेश्चंस को एड्रेस करेगा और अकाउंटेबिलिटी को बायस करेगा। फॉर इंस्टेंस, ट्रांसपेरेंट सिस्टम विल हेल्प रिकॉग्नाइज एंड एड्रेस क्वेश्चंस ऑन बेसिस ऑफ questions of basis and accountability. The dignity of humans is at the heart of the questions of AI ethics. जो humans का जो dignity है वो इन AI ethics के ही ऊपर base करता है। All human beings are born free and equal in dignity and rights. जितने भी human beings हैं वो free born हुए हैं और सबकी dignity equal है, rights equal हैं। So no form of technology should be assigned a level of human identity or dignity. Means कोई भी ऐसी AI या फिर कोई भी ऐसी technology है नहीं होनी चाहिए जो human identity या फिर dignity के तरीके की हो, means उसको जो है उसके खिलाफ हो। AI system must be conceived, designed and implemented to serve and protect human beings. AI को ऐसे बनाना चाहिए, develop करना चाहिए, design करना चाहिए, implement करना चाहिए कि वो humans के जो भी rights हैं उसे protect करे and the environment in which they live, और जिस environment में हम humans रहते हैं उसे protect करें। Human dignity needs
इंक्लूड सिक्योरिटी, ये जो ह्यूमन डिग्निटी है उसे सिक्योरिटी चाहिए, ह्यूमन राइट्स चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, जस्टिस चाहिए, अकाउंटेबिलिटी चाहिए, अपॉर्चुनिटी चाहिए, इनोवेशन चाहिए एंड इंक्लूसिवनेस चाहिए. AI कैन हेल्प इन अचीविंग ऑल दीज. AI इन सब चीज़ों को हेल्प कर सकता है अचीव करने में, बट एट टाइम्स इवन थ्रेट देम, लेकिन कई बार ये हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है. AI एंड रोबोटिक्स हैव रेज फंडामेंटल questions अबाउट what we should do when these systems, with these systems, what the system should do and what the long-term risks are. तो ये जो AI या robots हैं, इनके कुछ questions हैं कि ये क्या ये system है या क्या करना चाहिए इन system के long risk के साथ. We are still unaware of all the possible issues that AI could lead. सो AI बहुत सारे इश्यूज क्रिएट कर सकता है और बहुत सारे हम नहीं भी जानते. वी विल हैव टू वॉच द अनफोल्डिंग डेवलपमेंट क्लोजली, आइडेंटिफाई द इश्यूज अर्ली एंड टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस. हमें इन इश्यूज को पहचानना चाहिए और उनके खिलाफ प्रिकॉशंस लेने चाहिए. AI इज नॉट परफेक्ट. वॉट इफ इट मेक्स अ मिस्टेक. AI परफेक्ट नहीं है और क्या होगा अगर वो मिस्टेक क्रिएट करे. So AI system are not immune to making mistakes and machine learning takes time to become useful. Machine learning जो है सीखने में काफ़ी ज़्यादा time लगता है. If trained well, using relevant and true data, AI system can perform well. अगर जो है AI system को ठीक से use किया गया, ठीक से training दी गई, ठीक से data डाला गया, तो ये काफ़ी अच्छा perform भी कर सकता है. However, if we feed AI system with wrong data and make errors with internal programming, अगर हमने AI को ठीक से नहीं बनाया, उसके internal programming में ठीक से data नहीं डाला, तो AI system क्या करेगा, वो हमारे लिए harmful हो सकता है. अब हमें क्या लेना है, take Microsoft's AI chatbot. अब AI जो Microsoft का जो AI chatbot है Tay, which was released on X in 2016. X पे ये chatbot release किया गया था 2016 में. In less than one day, due to the information it was receiving and learning from other AI users, the robot learned to spew racist slur. अब क्या हुआ, ये जो यहाँ पे जो भी इस AI ने सीखा, उसने क्या किया, उसकी वजह से उसने racist behave करना शुरू कर दिया and Nazi propaganda. Microsoft shut the chatbot down. Microsoft ने इस chatbot को तुरंत ही बंद कर लिया. Since allowing it to live would had obviously damaged the company's reputation. अगर ये अभी तक कंटिन्यू होता तो हो सकता है कंपनी के रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा देता. So yes, AI system makes mistake. And but do they make greater or fewer mistakes? क्या ये ज़्यादा mistakes बनाते हैं या कम mistakes क्रिएट करते हैं देन ह्यूमंस? हाउ मेनी लाइव्स हैव ह्यूमन टेकन विथ मिस्टेकन डिसीजंस? कितनी लाइफ ली हैं ह्यूमंस ने अपने रॉन्ग डिसीजन से? इज इट बेटर और वर्स व्हेन एन एआई मेक्स द सेम मिस्टेक? और अगर एआई ने सेम मिस्टेक को क्रिएट किया तो क्या ये सही होगा या गलत होगा? सो दीज आर सम क्वेश्चंस दैट आर लेफ्ट फॉर यू. आई थिंक यू विल फाइंड आउट द आंसर्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टू लेट्स रिवाइंड. AI is a technology based on disciplines such as computer science, biology, psychology, physiology, mathematics and sociology. Ethics is a set of moral principles which help us discern between right and wrong. AI ethics is a set of guidelines that advise on the design and outcome of artificial intelligence. AI is a technology designed by humans to replicate, enhance and even replace the human intelligence. AI based occurrence where an algorithm produces results that are prejudiced because they are trained on a biased data. The idea of singularity is that if AI reaches up to human level of intelligence, human will someday be overtaken by AI machines. Privacy includes the right not to have one's personal matters
disclose publicly the right to be left alone, information, privacy, etc. AI chatbots and digital assistants are being designed to show emotions and mimic human behavior and build friendly relationship with humans. Now children, let's move on to book exercise, which is check yourself. Here the A part is take the correct option. So now children, the first question is, dash is a set of moral principles which help us discern between right and wrong. So it is ethics. Now the second one is, dash have the ability to think, to retain knowledge, to learn from past experiences, use reasoning to solve problems and to adapt a new situation. So it is we humans. And these two children, do it yourself. These two questions are also to be done by you. Now let's move on to fill in the blanks. Now children, let's move on to fill in the blanks. Here the first one is, AI systems are not immune to making mistakes and machine learning takes time to become useful. And let's move on to the third one. AI is a technology designed by humans to replicate, enhance and even replace human intelligence. Rest of the questions children, you have to do it yourself. Now let's move on to right, true or false. Here the first one is, the AI ethics framework is important because it helps in considering the risk and benefits of AI. Yes, this is true. Now the second one is, as a job shift occurs from human to AI, an employer could increase the cost by using AI. No, this is false. He can reduce the cost by using AI. So like this children, you have to do the rest of the questions yourself. Now let's move on to answer the following questions, which is D part. Now children, here the first question is, what are ethics? So ethics are a set of moral principles which tells us what the difference between what is right and what is wrong. Next question is, what do you mean by AI ethics? AI ethics kya hota hai? So ye kuch set of guidelines hai that advise on the design and outcome of AI. What are the outcomes and the designs of artificial intelligence? So these are AI ethics. Now the next is, why are AI ethics important? Give one example of the following AI bias and manipulation of behavior, and what is the idea of singularity? So the rest of the questions which are remaining here children is to be done by you. So do it yourself. I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.